नमस्कार, के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली। स्वागत है खबर उत्तराखंड में। खबर उत्तराखंड में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। जल्द हो सकता है उत्तराखंड में त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार तय, कई मंत्रियों के बदलेंगे महकमे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज, आबकारी नीति पर लग सकती है मोहर। कई अन्य प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा। उत्तराखंड के लिए खुशखबरी, दून हरिद्वार दिल्ली तक दौड़ेगी तेजस ट्रेन। मुलाकात के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल को सीएम ने दिया भरोसा। उत्तराखंड गैरसैंण में पेश होगा बजट, मुख्यमंत्री ने होली के बाद विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाए जाने के संकेत दिए। 29 अप्रैल को खोले जाएंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, महाशिवरात्रि पर घोषित हुई तिथि। और एक बार फिर उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, चार धाम समेत मसूरी से सटी पहाड़ियों में फिर हिमपात, लोगों की बड़ी मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, देहरादून से खबर है, रिश्वत लेने के आरोप में राज्य कर अधिकारी निलंबित हुआ है। रिश्वत लेने के आरोप में, आपको बता दें, सीएम पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद हुई कार्रवाई। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान कारोबारी से वसूली थी 29,500 रुपए। तो रिश्वत लेने के आरोप में विभाग ने यह कार्रवाई की है। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, रिश्वत लेने के आरोप में राज्य कर अधिकारी निलंबित हुआ है। और अगली खबर भी आपको देहरादून से बता देते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज, बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। मंत्री के लिए धन सिंह मुन्ना सिंह चौहान का नाम आगे, बिशन सिंह चौफाल का नाम सबसे आगे है। तो देहरादून कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज हुई हैं और कई विधायकों को भी बनाया जा सकता है राज्य मंत्री। तो देहरादून से यह खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। और खबरों के विस्तार से शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के लिए खुशखबरी, दिल्ली से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक तेजस ट्रेन दौड़ने वाली है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हकीकत बनने जा रही है। अगले 2.5 साल में श्रीनगर तक रेल पहुंचा दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की। रेल मंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य की रेल परियोजनाओं के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर उन्होंने दिल्ली हरिद्वार देहरादून के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस तेजस ट्रेन शुरू करने की सैद्धांतिक सहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि पथ पाथवे में उपलब्ध होते ही इसे शुरू किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय टमटा ने पिछले कई दिनों से जिले के भ्रमण में हैं। आपको बता दें, चकोड़ी में पहुंचे टमटा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार 2022 तक हर गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कार्य भी शुरू कर दिया गया है। हर घर में बिजली और पानी की योजना शुरू कर दी गई है, कोई भी घर बिना बिजली पानी के नहीं रहेगा। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण से आ रही समस्या को दूर करने के लिए सरकार गंभीर है। बेरीनाग चैकोड़ी की भूमि को लेकर सरकार के द्वारा भी ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। यहां के लोगों को भूमि का मालिकाना हक देने के पक्ष में सरकार है। कहना ठीक है कि विकास प्राधिकरण के बारे में आपने जो प्रश्न पूछा है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट के नियमों का पालन करना हर सरकार का कर्तव्य होता है,
और मेरी सरकार भी कोर्ट के नियमों का अनुपालन कर रही है, मगर उसमें सरकार के द्वारा जो भी शिथिलताएं बरती जा सकती हैं उन शिथिलताओं को बरतने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है और अधिकतम शिथिलताएं हमने व्यक्त की हैं। उसके बावजूद भी जो कठिनाई हो रही है उन कठिनाइयों को भी दूर करने का काम प्रदेश सरकार ने पहले भी किया है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी व पर्वत राज हिमालय की गोद में बसे भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने और पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के ऊख पीठ से हिमालय गमन की तिथियां महाशिवरात्रि पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पांचांग गणना के अनुसार विद्वान आचार्य व हकुधारियों ने घोषित कर दी है। ऐसा संयोग वर्षों बाद बन रहा है जब श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट तक तिथि में खुल रहे हैं, जहां भगवान बद्रीनाथ के कपाट 29 अप्रैल की सुबह 4 बजे खुलेंगे। वहीं इसी दिन प्रातः 6:10 पर मेष लग्न पर भगवान केदारनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। बता दें कि आगामी 29 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रधान पुजारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इस वर्ष शिव शंकर लिंग को केदारनाथ धाम के प्रधान पुजारी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि टी गंगाधर लिंग द्वितीय केदार भगवान मध्वेश्वर धाम के प्रधान पुजारी होंगे। बागेश लिंग और ओंकारेश्वर मंदिर के प्रधान पुजारी होंगे, जबकि शिवलिंग को अतिरिक्त पुजारी का जिम्मा दिया गया है। कपाट खुलने का दिन शुरू हो जाए, आज से शुरू होगी, अब यात्रा की तैयारियां हो गई। लेकिन हमारी चिंता सबसे बड़ी यह है कि श्राइन बोर्ड 15 जनवरी से अस्तित्व में आ गया है। 15 जनवरी से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कहीं पर भी कोई अस्तित्व में नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब चिंता की बात यह है कि एक तरफ श्राइन बोर्ड अस्तित्व में आ गया है, दूसरा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल समिति कहीं नहीं है, तो इन यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए बजट की कौन तैयारी करेगा? गाँव के अनुसार महासव शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि तय होती है। आज विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवान की पूजा करके हमारे विद्वान आचार्य पंडितों के द्वारा श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि 29 अप्रैल 2020 प्रातः 6:10 के सुमुहूर्त पर कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। इससे पूर्व 25 अप्रैल को शनिवार के दिन जैसी पौराणिक परंपराएं हैं, भगवान भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना के बाद 26 तारीख को यहां से भगवान शंकर की डोली फाटा के लिए प्रस्थान करेगी। देहरादून विधानसभा में जनसुनवाई कार्यक्रम के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। वहीं विधानसभा में सप्ताह के 2 दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को जनसुनवाई के फैसले की जनता ने जमकर सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता को भी सराहना कराने के लिए उनका आभार प्रकट किया। आप जनता का मैं बहुत आभारी हूं, उत्तराखंड की जनता ने हमेशा प्यार दिया है, उनको मैं आपके माध्यम से अपना धन्यवाद देना चाहूंगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। नैनीताल सहित पूरे पहाड़ों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। नैनीताल में रात भर हुई बरसात के बाद साथ ही सुबह नैनीताल की ऊंची पर्वतीय श्रृंखलाएं बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। मौसम की छठी बर्फबारी देखकर लोग उत्साहित हो गए हैं। लगातार हो रही बरसात से तापमान में भारी गिरावट के साथ एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना फिर पड़ा है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से नैनीताल के निचले हिस्से में बर्फ टिक नहीं सकी। बहुत अच्छा लग रहा है नैनीताल घूम के, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग जस्ट आज ही आए हैं, हम लोग गुरुद्वारा गए, ऊपर मंदिर गए, मार्केट में घूमे, लेक घूमे, लेक में बोटिंग की हमने। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र की अवधि को लेकर कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार बजट सत्र की अवधि बढ़ा सकती है, जरूरत पड़ी तो होली के बाद भी सत्र को चलाएंगे। आपको बता दें कि सरकार की योजना 1 मार्च से सत्र शुरू करने की थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के चलते 3 मार्च से सत्र शुरू करने का फैसला लिया गया। अभी फिलहाल
हम चाहते थे पहले कि ये पहली तारीख से ये सत्र हमारा हो, तो फिर हमको 6-7 दिन का टाइम मिल जा रहा था। लेकिन पहली तारीख से ही अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये ऋषिकेश में प्रारंभ हो रहा है, उसमें हमारे अनेक अतिथि उसमें आएंगे, तो इस वजह से फिर उसको 2 तारीख हमको करना पड़ा। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 3 तारीख। निकाय चुनाव के बाद रुड़की नगर निगम में बोर्ड की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्वाचित पार्षदों समेत मेयर गौरव गोयल और नगर विधायक प्रदीप बत्रा, कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद, झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल मौजूद रहे। निगम की प्रथम बोर्ड बैठक हंगामे के साथ शुरू हुई। बैठक में जहां पार्षदों का हंगामा रहा, तो वहीं विधायकों के बीच भी हल्की फुल्की नोकझोंक दिखाई दी। वहीं माइक पर बोलने के विवाद ने टूल पकड़ लिया। मेयर और झबरेड़ा विधायक आमने सामने आ गए और एक दूसरे के हाथ से माइक छीनने लगे। बैठक में कुल 70 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से अधिकांश प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। और शहर में मैं सोचता हूँ कि विकास कार्य को गति मिलेगी बोर्ड बैठक होने से, और मैं विधायक नेताओं से बात करूँगा जो उन्होंने अपनी समस्याएं उठाई और बोर्ड में गए से सभी समस्याओं पर चर्चा की। बात हो गया 5-7 लोगों की आपत्ति थी, जबरदस्ती बात की। कामकाजी प्रथम बैठक थी और सभी 40 पार्षद हमारे मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे, 3 विधायक मौजूद थे। बड़े अच्छे मन से सब लोगों ने विकास प्रस्ताव पर मोहर लगाई। 507 हमारे विकास प्रस्ताव थे, 68 प्रस्ताव विकास संबंधी थे। सब लोग एकजुट हैं, एक मन से हैं कि रुड़की नगर का हमें चौमुखी विकास करना है। सब लोगों ने एक मन के साथ अधिकांश प्रस्ताव पर अपना मत दिया और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। अभी हमारा 51 करोड़ रुपये का बजट जो था वो पिछले वर्ष का प्रस्तुत किया गया, और आगे आएगा तो उसके हिसाब से और काम करेंगे। प्रसाद से कुछ लग रहे थे आज 3 महीने बाद आज बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जबकि पहले ही बोर्ड की बैठक और पहले ही अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लेना चाहिए था। ये जो एजेंडा है, एजेंडा नियमानुसार नहीं था। ये हमारे जो बीजेपी के पार्षद दल के नेता है आदरणीय राकेश जी ने बैठक शुरू होते ही इस बात को उठाया कि एजेंडा आपका नियमानुसार नहीं है, आप इस एजेंडे के अकॉर्डिंग बैठक नहीं कर सकते। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल करवाने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से नकल के लिए इस्तेमाल की गई ब्लूटूथ और फोन को बरामद कर लिया गया है। वहीं ग्रोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। बता दें कि रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए SSP डी सैंथिल अबुदय कृष्ण राज एस ने बताया कि बीती 15 फरवरी को उत्तराखंड अधीन स्थ सेवा चयन आयोग प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करवाने की सूचना पुलिस को दी गई थी। सूचना के बाद पुलिस ने नारसन स्थित ओजस्वी कॉरियर कोचिंग सेंटर के स्वामी मुकेश सैनी समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के खुलासे के लिए हरिद्वार SSP ने टीम का गठन किया। टीम द्वारा आरोपी मुकेश सैनी पुत्र जल सैनी के ठिकानों पर छापेमारी की गई और आरोपी को उसके गांव हरचंदपुर कोतवाली मंगलौर से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड अधीन सेवा संयन आयोग द्वारा जो है जो वर्ण आरक्षण का जो लिखित परीक्षा किया गया है उसमें जो है नकल करके या किसी गलत तरीके से जो है कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लाभ प्राप्त करने का सूचना हमारे पास मिली थी, उसमें हम जांच कर रहे थे स्टेप्स के साथ मिलकर जो है उसमें जो है एक लड़के जो उसमें सम्मिलित होना था उनका द्वारा एक तहरीर दी गई कि 8 लोगों के विरुद्ध वो तहरीर दी गई है कि उन्होंने हमसे जो है गलत तरीके से जो नकल करा के जो उनको परीक्षा का पास करने के जो वादा से जो है उनसे 4 लाख रुपये का मांग करी और 1 लाख रुपया जो है उनका जो एडवांस भी दिया गया है उस संदर्भ में धारा 420 IPC में मुकदमा कायम किया 8 लोगों के विरुद्ध। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है जो मुकेश सैनी जो है जो इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है मंगलूर कोतवाली क्षेत्र में संचालित करता है उनको आज हमने गिरफ्तार किया। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर समूचा विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। उत्तराखंड में भी विपक्ष महंगाई और गैस के बड़े दामों को लेकर सड़कों पर है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ गैस के बड़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने लकड़ियों के चूल्हे में रोटियां बनाकर बढ़े हुए गैस के दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। Let's go.
जगाना चाहती है आज तमाम हमारी महिलाएं, जिन्होंने 400 रुपए के सिलेंडर को 900 रुपए का सिलेंडर कर दिया। उन्होंने कहा था कि पूरे देश के अंदर किसी भी माँ बहन की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आज तमाम हमारे पूरे देश की महिलाएं रो रही हैं और दोबारा चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए मजबूर है। आज तमाम ये चूल्हे जला करके हम मोदी जी को, स्मृति ईरानी को, सीतारमण जी को जगाना चाहते हैं, जिन्होंने बजट में महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा और गैस के दाम एकदम से उन्होंने 150 रुपए बढ़ा दिए। 900 रुपए का आज लगभग सिलेंडर हो चुका है। ना ही तो मोदी जी को महंगाई नजर आ रही है, ना ही स्मृति ईरानी जी को नजर आ रही है और ना ही हमारी सीतारमण जी को नजर आ रही है, जो महिलाओं की हितेशी बनती है। और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बे औलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने बहुचर्चित देहरादून 48 बलबीर रोड जज कॉलोनी घोटाले मामले में सुनवाई करते हुए डीएम देहरादून को 24 फरवरी व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा। मामले के सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तिथि नियत की गई है। राजेश की बहन रीता ने बताया कि देहरादून के कई भ्रष्टाचारों के मामले राजेश सूरी ने उजागर किए हैं, जिसमें से एक बलबीर रोड में जज क्वार्टर घोटाला, जिसमें भागीरथ कॉलोनी बनी है, उसके फर्जी कागज बनाकर बेच दिया गया, जिस पर 2003 में तत्कालीन जिलाधिकारी राधा रतूड़ी ने संपत्ति को फर्जी पाते हुए कुर्क करने के आदेश देने के साथ ही किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या 30 नवंबर 2014 को हुई थी और जब राजेश नैनीताल हाईकोर्ट से ट्रेन से लौटकर देहरादून जा रहे थे। आरोपों के अनुसार राजेश की सभी फाइलें उस समय गायब हो गई थी और केवल कपड़ों से भरा बैग मिला था। जस्टिस मनोज तिवारी जी के बेंच में मेरी याचिका लगी हुई थी 20/66/2012 MS, जिसमें कि तत्कालीन राधा रतूड़ी डीएम मैडम होती थी,
उन्होंने आदेश करा था तीनों पेपर जो है दिनांक 16/3/94 का मुख्तारनामा, दिनांक 10/1/94 का विक्रय अनुबंध और 5/12/74 की कूटरत्न सीमित अवैधिक तौर से संपत्ति को उन्होंने उसको फर्जी पाते हुए उन्होंने कूड़क और अटैच के ऑर्डर जो है पास कर दिए थे, जो कि 48 बलबीर रोड पे बहुचर्चित जज क्वार्टर घोटाला के नाम से है। लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से उत्तराखंड प्रगति के पथ पर है और हर क्षेत्र में त्रिवेंद्र सरकार की विकासों में बयार है। जी हां, बागेश्वर के लिए सीएम ने सौगातों का पिटारा खोला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर जिले को दिया सीएम ने तोहफा, 15,806 लाख की 44 योजनाओं का किया शिलान्यास। जागेश्वर धाम के वेब पोर्टल को भी किया लॉन्च। जागेश्वर मंदिर से संबंधित पुस्तक का भी किया विमोचन। सीएम ने कहा अल्मोड़ा से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट से ठीक पहले बागेश्वर से बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा के लिए उड़ान योजना के तहत हिंडन और देहरादून से हवाई सेवा शुरू की जाएगी। चौखुटिया में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेज दिया गया है। जल्द ही चौखुटिया में हवाई पट्टी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने पंतनगर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिलाने की बात भी कही। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कुमाऊं के पहले गैस इंसुलेटेड सिस्टम पावर ग्रिड का लोकार्पण किया। वहीं 2,88,00,000 रुपए की लागत से बने रोडवेज बस अड्डे को जनता को समर्पित करने समेत 2,31,00,000,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण और 36,64,00,000 रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जागेश्वर मंदिर के वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उन्होंने कौन सी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बड़ी घोषणाएं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में पेयजल योजना का निर्माण, हरिद्वार की तर्ज पर जागेश्वर में मोक्ष धाम का निर्माण, पवित्र नदी जटागंगा के विकास को कार्य, जागेश्वर धाम के प्रवेश द्वार का सुंदरीकरण, गरुड़ ब्लॉक में सभागार का निर्माण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजनाओं का किया लोकार्पण। बस स्टेशन 288,83,000, पोलिंग मोटर मार्ग सुरक्षा दीवार 62,59,000, रावसेरा मानक भाटा 7.10 किलोमीटर सड़क 397,93,000, मल्ला डोबा से नौगढ़ 6 किलोमीटर 380,04,000, कौसानी मल्ला डोबा 3 किलोमीटर 193,64,000, जगियोड़ा नाला खराबगढ़ वल्ली नाला व मिलियाबगढ़ नाले में सुरक्षा दीवार कार्य 75,83,000, चौड़ा के चिवली तोक बाढ़ सुरक्षा योजना 93,29,000, देवनाई मोटर मार्ग सुधारीकरण 84,07,000, रायंका बुहाला पुस्तकालय कंप्यूटर कक्ष 55,94,000, चौरा कमदब पड़ाई बासा मार्ग 186,96,000, ढालन खुनौली मजबे मोटर मार्ग 262,52,000, काला पैर कापड़ी के पास रामगंगा नदी पर 110 मीटर झूला पुल 367,79,000, सनेती बकौड़ी मोटर मार्ग 140,12,000, रावमावी देवलधार पुस्तकालय कंप्यूटर कक्ष निर्माण 55,50,000, पोलिंग मोटर मार्ग सुधारीकरण 77,13,000, दोफार पपोर 28 मोटर मार्ग 257,98,000, सिमगढ़ी मोटर मार्ग विस्तार 2.25 किलोमीटर 135,46,000, गरुड़ मोटर मार्ग पर 2 मंजिला पार्किंग 212,00,000, श्यामा आवासीय भवन निर्माण 252,97,000, दुगनाकुरी तहसील भवन निर्माण 160,97,000, काफली गैर खाद्यान्न गोदाम 60,00,000, बजवाड़ वन विश्राम गृह पुनर्निर्माण 27,12,000,
रायंका कांडा प्रयोगशाला भवन 20,60,000। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शिलान्यास। बागेश्वर दफोर से नयगांव हरु मंदिर मोटरमार्ग 3.6 किलोमीटर 17,88,000। मटेला जिनखोला बंड कुमरौला मोटरमार्ग 161,65,000। झारखोट सुंदर जुनायल 428,82,000। बागेश्वर तेजम मोटरमार्ग 143,04,000। डिग्री कॉलेज दुगनाकुरी भवन निर्माण 177,45,000। खाती गांव कपूरी मोटरमार्ग 99,45,000। नगर पंचायत कपकोट भवन 136,34,000। रायंका विज्युला विज्ञान प्रयोगशाला कंप्यूटर पुस्तकालय कक्ष 42,05,000। रायंका असो प्रयोगशाला पुस्तकालय कंप्यूटर कक्ष 133,14,000। रायंका मंडल सेरा प्रयोगशाला पुस्तकालय कक्ष 31,24,000। दुबागाड़ा करास घाट करास माफी मोटरमार्ग 83,74,000। खौलसीर शिव मंदिर के पास पैदल सेतु 50,00,000। पिटारी मार्ग पर द्वाली में 10 मीटर समान पुल 106,55,000। दोफार कोटवनिया मोटरमार्ग 305,03,000। वहीं सीएम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा प्रदान करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। जल्दी ही हवाई कनेक्टिविटी में और इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार वर्ष में नियुक्ति के रास्ते खोले जा रहे हैं। सरकार लोगों को निजी उद्यमों की ओर भी प्रेरित कर रही है। पिरूल से 1,50,000 मेगावाट बिजली बनाने के साथ 1,50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का भी लक्ष्य है। आज बस अड्डे का भी लोकार्पण किया गया और साथ ही जो यहाँ पर 133 केवीए का जो यहाँ पर स्टेशन आज लोकार्पण किया गया, ये कुमाऊँ का पहला अत्याधुनिक ये स्टेशन होगा और जिससे लोगों को जो बिजली, एक तो अविरल बिजली मिलेगी, सुचारू रूप से बिजली मिलेगी, लाइन लॉस भी कम होंगे और जो कई बार लाइनें टूट जाती हैं वो भी कम होगा, उसके कारण भी नुकसान कम होगा। और साथ ही अगर माना कहीं पर किसी कारण कोई लाइनें टूटती हैं तो स्टेशन पर ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर लाइनें टूट गई हैं, वहाँ पर तुरंत जा करके और उसका मरम्मत कर दी जाएगी। लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह के प्रयासों से उत्तराखंड प्रगति के पथ पर है। हर क्षेत्र में त्रिवेंद्र सरकार के विकासों में बयार है। बागेश्वर से के न्यूज के लिए अनिल पांडे की रिपोर्ट।